ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, जैसे कि पिछली रॉ में हमने देखा कि रोमन रेंस ने काफी टाइम बाद अपनी बीमारी के बाद फिर से WWE में वापसी करी, और यही नहीं, हमें इसके साथ साथ शील्ड का भी काफी सालों के बाद मैच देखने को मिला जहां उनके अपोनेंट थे मिस सेमस एंड सिजारो। और इस पर हम पहले से ही देखते हुए आ रहे थे कि बिगी पहले ही रोमन रेंस पर ट्विटर पर बरसने लग गए थे, जहां उन्होंने रोमन रेंस को मिड डॉग भी कहा था। तो इस रेस में अब कोफी किंगस्टन भी आ गए हैं, जहां सर्वाइवर सीरीज में न्यू डे वर्सेस द शील्ड के मैच से पहले ही ट्विटर पर कोफी किंगस्टन ने रोमन रेंस के बारे में काफी बुरी बातें कही हैं। कोफी किंगस्टन ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि अमेरिका में हर 26 सेकंड में एक डॉग को पाला जाता है और सर्वाइवर सीरीज में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस चले गए थे जिसका रीजन ये था कि वो अपनी ही पूप यानी अपना ही मल खाकर बीमार हुए हैं। तो देखा जाए तो कोफी किंगस्टन की तरफ से बहुत बुरा ट्वीट था, और लगता है कि उनके इस ट्वीट के बाद जो सर्वाइवर सीरीज में न्यू डे और शील्ड के बीच मैच होने वाला है वो और भी गर्म होगा, क्योंकि अब ये सुपरस्टार आपस में पर्सनल हो चुके हैं। इससे पहले भी हमने बिगी को देखा था कि उन्होंने रोमन रेंस को मीडियम डॉग बुलाया था, तो रोमन रेंस के द बिग डॉग कहे जाने पर न्यू डे के सुपरस्टार हमें उनका मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद रोमन रेंस ने भी अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब तो अब तक नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि पिछले 24 घंटे काफी जबरदस्त रहे और यहाँ पर कोई शक नहीं है कि द बिग डॉग वापस आ चुके हैं, तो यानी कि वो अभी भी अपने द बिग डॉग कहने पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि रोमन रेंस ट्विटर पर इसका जवाब देते हैं या फिर न्यू डे को इसका जवाब नहीं लेगा सीधा सर्वाइवर सीरीज में। अब देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जितनी भी सुपरस्टार में आपस में फाइट होती है या हम कहीं ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर बैटल होती है, वो अपनी फ्यूड को गर्म करने के लिए होती है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कोफी किंगस्टन ने इस बार कुछ ज्यादा ही कह दिया। अब इसका जवाब देखना होगा कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में किस तरह से देने वाले हैं। तो गाइस, यदि छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए, मैं आपको बताना चाहता था कि न्यू डे और शील्ड के बीच ट्विटर पर क्या पक रहा है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।